आजमगढ़ में फर्जी शिक्षकों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जनपद में एसटीएफ की कार्रवाई में 3, एसआईटी की इंक्वायरी में 10 व जिला स्तरीय सतर्कता समिति की जांच में कुल मिलाकर 50 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। इनकी सेवा समाप्ति के साथ ही अन्य आगे की कार्रवाई की जा रही। शासन के निर्देश पर वर्ष 2018 से ही एसटीएफ फर्जी शिक्षकों की जांच कर रही है। जांच शुरू होने के बाद कई फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर उन्हें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। जिले में कुल 6 शिक्षक संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें 3 की सेवा समाप्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, जिनमें तहबरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय के केशवपुर बरतानी में तैनात सहायक अध्यापक वरुणेश कुमार, लालगंज के प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर बरहती में तैनात अरुण कुमार मिश्र व अतरौलिया के प्राथमिक विद्यालय भिवरा में रिकी सिंह शामिल हैं। इनमें कई की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब शिक्षा क्षेत्र मॉनिटरिंग गंज के प्राथमिक विद्यालय चकटे उखर में तैनात रहे सहायक अध्यापक अजय कुमार कुशवाहा और शिक्षा क्षेत्र हरैया के प्राथमिक विद्यालय बिसेनकारपुरा में तैनात रहे सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश संबंधित खंड के शिक्षा अधिकारी को दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीश कुमार ने बताया कि किसी भी फर्जी शिक्षक को बख्शा नहीं जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन में फर्जी मिले शिक्षकों की सेवा समाप्ति और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जनपद से जुड़े हुए पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में डबल पैन या सर्टिफिकेट का मामला है, उसकी गहनता से जांच कराई जा रही है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद फर्जी शिक्षकों से उनके आहरित वेतन की रिकवरी को लेकर फिलहाल शिक्षा क्षेत्र मार्टिनगंज व हरैया के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात रहे 2 और शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश पारित कर दिया गया है। जिला आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ में जो फर्जी शिक्षक हैं वो एसटीएफ के द्वारा 3 और एसआईटी के द्वारा 10 और कुल जिला स्तर से जो एक सतर्कता समिति बनी है कुल मिला के 50 शिक्षक फर्जी पाए गए, जिनके सेवा समाप्त करते हुए संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई। और ये केवल जनपद आजमगढ़ में नहीं, जहाँ सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जहाँ फर्जीवाड़ा है, चाहे वो डबल पैन नंबर का मामला हो, चाहे फर्जी सर्टिफिकेट का मामला हो, उन सब में जांच के दौरान जो भी फर्जी पाया जा रहा है सब पे सेवा समाप्त के साथ साथ एफआईआर दर्ज भी हो रही है। कोई भी जो फर्जी टीचर है वो बख्शा नहीं रहा। तो किस आधार पे कार्रवाई हो रही है, कैसे उनको चिन्हित किया जा रहा है? सत्यापन कराया जाता है संबंधित बोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑनलाइन किया जाता है, उसी में फर्जी सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर फर्जीवाड़ा संज्ञान में आ जाता है, उनकी सेवा समाप्त की जाती है। जैसे टेट में टेट का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, ऑनलाइन चेक किया या उसको संबंधित संस्था को मैं सत्यापन के लिए भेजते हैं, सत्यापन के बाद यदि उसमें डिफरेंस आता है तो कार्रवाई की जाती है। सेवा समाप्ति के उपरांत और अन्य क्या कार्रवाई हो रही है? सेवा समाप्ति के बाद एफआईआर दर्ज होते हैं, एफआईआर में अपना पुलिस जांच करती है सभी बिंदुओं पे, जो भी आगे कार्यवाही है पुलिस के द्वारा होती है। और जो सर इतना सैलरी वो आहरित कर लिए होते हैं तो उसके रिकवरी के लिए क्या प्रयास होते हैं? रिकवरी के लिए प्रयास है कि वित्त लेखा अधिकारी को उसका आकलन करने का, मतलब शुरू से अब तक कितना इन्होंने वेतन प्राप्त किया वो भेजा जाता है और उनको भी पत्र निर्गत किया जाता है कि आपने इतना सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है, इसको इस तरह